வச்சுருக்கேன். आज 16 जून 2019 आज बाबा का महावाक्य है, टाइटल है विशेष आत्माओं का फर्ज। विशेष आत्माओं का फर्ज। विशेष आत्माओं का फर्ज। आप जितने जितने विशेष आत्माएं बन रहे हैं तो आपका फर्ज भी है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ये नहीं कि बाबा ने आपको पाल कर बड़ा कर दिया, आप बिल्कुल समझदार बन गए, आप में सारे ज्ञान भी आ गया, गुण भी आ गए, शक्तियाँ भी आ गई। ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर आपको फर्ज क्या है? सबको ये बांटना भी है। अगर आप विशेष आत्मा हो तो उनका काम क्या है? सबको बांटना। किनको बांटना है? दुनिया में बाबा ने बताया जितनी भी भगत आत्माएं हैं, लगता है उनको कि अब ठीक हो जाएगा, इससे सब कुछ मिल जाएगा, इससे सब कुछ मिल जाएगा। बाबा ने कहा मिलने वाला कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? इस समय आत्म निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ सबको साधन चाहिए। और इस समय आत्मा को कैसे निर्वाह करना है? शारीरिक निर्वाह का तो सबको पता है, आत्मा का निर्वाह कैसे करना है? उन सब साधनों से सारी भगत आत्माएं खाली हो गई हैं। यानी भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब भक्त भक्त भी कैसे हैं? नामधारी भगत है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। पहले तो तपस्या की, यज्ञ किए, बहुत कुछ किया, उसका कुछ ना कुछ तो मिला। अब वो तपस्या भी नहीं है, सेवा भी नहीं है किसी की, अब वो फल नहीं मिला। अब भक्ति भी बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था में आई है। जैसे वृक्ष जब बड़ा होता है तो फल देता है, पहले पहले भक्ति ने फल दिया, उसके बाद जब खत्म होने वाला होता है फिर सिर्फ छाया देता है। इसलिए भक्ति भी अभी छाया के रूप में है। लगता है, भासता है कि बस अब ठीक हो जाएगा, बस अब गुरु कर लिया, अब तो मुक्ति मिल जाएगी। कुछ मुक्ति मिलने वाली नहीं है, कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। बाबा ने अवगत कराया तो क्या होगा उन भक्तों का? तो बाबा ने कहा आप विशेष आत्माओं का फर्ज है, उनको भी भरपूर करना, उनको भी हिम्मत उल्लास दिलाना। आपके पास जमा है या नहीं? अपने प्रति ही कमाया या खाया? अगर आप दूसरों को देते हो तो ये है राजा क्वालिटी, तब समझना कि हम राजा बनेंगे। अगर आप दूसरों को नहीं दे पाओगे तो समझना हम प्रजा में ही आएंगे, ठीक है ना? तो ये चेकिंग के लिए बाबा ने बताया, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल इस संगम का ही है। क्योंकि संगम पर ही राजा बनना है या प्रजा बनना है उसकी स्टैंप लगनी है, और सत्युग में जाकर उस टाइम से स्टेटस प्राप्त होना है। तो इसलिए संगम युग है ही स्टैंप ऑफिस। कितना अच्छा बताए, ये है ही स्टैंप ऑफिस, ठीक है ना? तो यहाँ स्टैंप किसी लगेगी? बाबा की स्टैंप लगेगी, और ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। ब्राह्मण परिवार भी आपके साथ हो और बाबा भी आपके साथ हो, जो स्टैंप यही लगानी है। और फिर स्टॉक को चेक करो, कहीं धोखा ना दे दे।
हम सोचते हैं कि चलो हमारा योग बल तो अच्छा है, याद तो कर रहे हैं, जमा तो कर रहे हैं, बाबा ने अगर एक भी गुण की कमी है वही समय पर धोखा दे देगी। इसलिए सर्व गुणों में संपन्न बनना है, एक गुण की कमी भी फुल पास होने नहीं देगी। इसलिए छोटी बात नहीं समझना बाबा ने कहा इसको, ठीक है ना। एक एक गुण का महत्व समझना, एक एक संबंध का महत्व समझना, क्योंकि कर्म फिलॉसफी है, बड़ा गहरा हिसाब किताब है, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर बाबा ने बताया कैसे परफेक्ट बनेंगे, विशेष आत्मा कैसे बनेंगे, जो भरपूर होकर के दूसरों को भी देना है। जिम्मेवारी कितनी है, दूसरों को भी देना है, अगर राजा बनना है तो उसके लिए क्या करना। बाबा ने कहा हमेशा सबसे अच्छी सीट है जो कोई ले भी नहीं सकता, वो है साक्षीपन की सीट। हमेशा साक्षी होकर बैठे रहो और फिर देखते रहो। और फिर दूसरा है अपने आप से कह दो, मैं कोटो में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ। ये अपने से हमेशा कहना है। और दूसरा एक बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, मार्जिन ही रखना किसी का तो एक स्थिति होगी। मार्जिन रखोगे जहाँ पर वहीं बुद्धि चली जाएगी, सारा घाटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर बाबा ने अदर कुमारों को बोला अगर तुम गृहस्थी समझते हो तो जीवन खाली है, तो क्या बनना है ट्रस्टी। गृहस्थी माना सदा दुखी, ट्रस्टी माना सदा सुखी। तो हमेशा ट्रस्टी बन कर के ही रहना है, मेरा घर मेरा परिवार मेरा मेरा बिल्कुल ना आए। फिर माताओं को बोला आपने भी गृहस्थी में फंसना नहीं है, जितना गृहस्थी में फंस के जितना मर्जी सेवा कर लो मिलना कुछ नहीं है। इसलिए क्या करो, भाग्य बनाने के लिए बेहद की सेवा में सदा खुश रहना। जितनी बेहद की सेवा करेंगे तो फिर दासी से सिर का ताज बन जाओगे, ताज लग जाएगा, नहीं तो घर में दासी की दासी रह जाओगे, ठीक है ना। यानी का भाव बाबा का वरदान है, बाबा ने क्लियर किया संपन्नता द्वारा इतना अपने आप को भरपूर करो कि सदा ही संतुष्ट रहें, उसका अनुभव करना है, वही है संपत्तिवान। संपत्ति कोई स्थूल संपत्ति की नहीं बनती, बाबा ने बात की है संपत्ति की आपकी, ये जो ज्ञान मिल रहा है आपको तीसरे नेत्र से, बाबा जो ज्ञान दिया है, ये जो बाबा ने गुण दिए हैं, ये शक्तियों से भरपूर, इसे बाबा ने कहा संपत्तिवान। तो उसके लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों जान लो, तब कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। ओम शांति। अब सुनो बाबा के महावाक्य, बाबा के कि विशेष आत्माओं का फर्ज आज दिलाराम बाप अपने दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। दिल को आराम देने वाला बाबा जो दिल से खुश रहते हैं, जो दिल से खुश रहते हैं, अपने आप को चेक करो कि हम दिल से खुश रहते हैं या बोलने की जरूरत नहीं ना के। सारे विश्व में सदा दिल खुश आप बच्चे ही हैं, बाकी और सभी कभी ना कभी किसी ना किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। किसी ने दिल तोड़ दिया, कभी किसी ने दिल तोड़ दिया, सभी दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप ही बच्चे हो, और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकलता ही है। जितने भी लोग दुखी हैं हाय हाय की पुकार, डिस्ट्रेस में तो सारे है ही हैं, और आप अपनी शक्ल देखो, और आप दिल खुश बच्चों की दिल से वाह वाह का आवाज़ निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी
तन के कर्म भोग का दर्द, है ना, कुछ तन में आ गई बीमारी, उसको कर्म 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 किए ऐसे हैं, भोगना तो पड़ेंगे पड़ेंगे, या कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कोई संबंधी ऐसे हैं या संपर्क वाले ऐसे हैं, है ना, उनको दिल दे दिया, है ना, फिर दर्द होगा। कभी धन ज़्यादा या कम हो गया, दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त दुख का दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते हैं। दिल किसी को दोगे तो दर्द तो होगा ही होगा। एक दिल किसी को दो, एक दिल आराम को, दिल को आराम देने वाला एक ही है, बाकी तो आराम को भी हराम करने वाले हैं। तो विश्व की दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर जब दुखी, सारा विश्व दुखी है, ऐसे समय पर आप सुखदाई सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है, जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। क्या करना आपका काम, जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। ये पुराना कर्ज, पुराना कार्मिक अकाउंट है, ये पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया, ये बीमारी बन गई है, दुखी रहने का एक बीमारी बन गई है। रोते क्यों हो, शक्ल ही ऐसी है, ऐसी बीमारी बन गई है, मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है, दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। चेक करो किस कौन सा मर्ज लगा, कौन सी बीमारी लगी है इनको, दिल का दर्द मीन्स मन बुद्धि का दर्द। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे। कोई शरीर का बीमारी आई है, उसमें रो धो ना, हाय ये क्या हो गया, हाय क्या हो गया, हाय कुछ नहीं हुआ है, आपने जो किया था उसी का रिजल्ट है ये। अब कर्म भोग को कर्म योग से शुद्धि करो, उनको बोलो कर्म योगी बन के रहो, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं, अर्थात सब शक्तिहीन हैं, सब खाली हैं। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो, कुछ न कुछ अपने खाते से उनके खाते में जमा करो, तब वो कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फ्रांक दिल से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है, यानी द्वापर से रजोगुनी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्म निर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। आत्मा को कुछ भोजन दिया था उन्होंने, जिस आत्मा थोड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन अब तमोगुनी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्म निर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। तो भक्ति का वृक्ष
विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है। इतने धर्म हैं, हर एक अपने अपने रिचुअल्स बनाए हुए हैं, अपने अपने बनाए हुए हैं, सब उसी में मगन है। लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता और जड़जड़ी भूत अवस्था तक पहुंच जाता है तो फलदायक नहीं बन सकता। जब लास्ट स्टेज होती है उसकी, फिर फल नहीं देता लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। कैसे? गुरु, अब तो गुरु कर लिया, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति तो हो ही जाएगी। ये दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है, अभी नहीं तो कभी मिल ही जाएगा। हो पता ना, चलो हमने तीर्थ भी कर लिया, चार धाम भी जाए, अब तो मिल ही जाएगा। गुरु कर लिया तो मिल ही जाएगा, कभी तो मिल ही जाएगा। ये होप है, सिर्फ आशा है। सिर्फ इसी छाया में बिचारे भोले भगत आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। इसलिए सबके आत्म निर्वाह के खाते खाली हैं। शरीर निर्वाह के लिए सब कुछ कर लिया लोगों ने, आत्मा का निर्वाह करना है, वो सबके खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप कौन हो? आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत और उल्लास दिलाना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया? कमाया और खाया, उसको राजयोगी नहीं कहेंगे। योग बल कमाया, ज्ञान बल कमाया और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, नहीं, उसे राजयोगी नहीं कहेंगे। सो राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। मतलब किसी की भी कमी है, आपने उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ये नहीं कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मैंने का ठेका लिया किसी का, है ना, सबका ठेका आपने लिया हुआ है। जैसे बाबा ने सबका ठेका लिया है, आपने भी सबका ठेका लिया, राजयोगियों ने जिन्होंने राजा बनना है। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। प्रजा क्या करती है? कमाती और खाती है। हाँ, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं, दाता के बच्चे, सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त हैं। स्व की पालना में ही समय बीत जाता, वह औरों की पालना के लिए समय और खजाना भरपूर है। टाइम अपने लिए कि लोगों के लिए भी टाइम है, ये चेक करो। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। यानी राजा व प्रजा का स्टैंप यहाँ से ही लगता है, स्टेटस वहाँ मिलता है। अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो स्टेटस भी नहीं। तो संगम युग है स्टैंप ऑफिस, संगम युग है स्टैंप ऑफिस। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है। तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो और स्टॉक चेक करो।
ऐसे ना हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते अगर, और एक अच्छा एग्जांपल दिया, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटा सा माचिस रह गया तो अनाज क्या करेंगे। नहीं किधर, बढ़िया एग्जांपल दिया, ये माचिस भी रह गई सारा वेस्ट। अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बाबा ने आज बोला, क्या बोला, अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का, भरपूरता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। हम कहते हैं ना, इतना तो चलता है, थोड़ा अलबेलापन आलस्य, अब ये भी नहीं चलने वाला। पांच मोटे विकार तो नहीं है पर आलस्य अलबेलापन आ जाता है। आज बाबा कहते हैं अलबेलापन भी बिल्कुल नहीं चलेगा, वापस वहीं पर ले आएगा वो भी। ये नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं। याद की शक्ति महान है, नंबर वन है, ये ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। ये छोटी बात नहीं समझो, एक एक गुण का महत्व और एक एक गुण का संबंध क्या है ये भी गहरा हिसाब है, वो फिर कभी सुनाएंगे। अगली मुरली में देखना क्या संबंध है, क्या इंपॉर्टेंस है एक एक गुण की। नहीं, वैल्यूज में हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, वो भी एक कार्मिक अकाउंट, बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है। पर्टिकुलर किसी से ही आपको प्रॉब्लम क्यों आती है, बाकी जगह सब कुछ ठीक है, एक से ही प्रॉब्लम आती है आपको, वहीं पर वो गुण खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक पिछला कार्मिक बहुत बड़ा हिसाब है। उसके बाद बाबा कहते हैं अगली बार यहाँ बताएंगे, पूरी मुरली चलेगी इसकी। अब आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है, आज ये विशेष स्मृति दिलाई। समझे, इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए, सेवटन दिल्ली, गुजरात और इंदौर का था। बाबा ने कहा तो राज्य अधिकारी की बातें सुनाई ना, राज्य कहाँ बना हमारा, दिल्ली में बना ना, बोलो उन्हीं की अधिकारी की बातें सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है ना। दिल्ली खाली दिल्ली में नहीं होगा, चंडीगढ़ तक दिल्ली फैला होगा पूरा, यहाँ तक, यहाँ के भी सुन लेना ध्यान से। सोचो दिल्ली वालों के लिए है, चंडीगढ़ वालों के लिए भी है ये, हाँ बहुत बड़ा ये। गुजरात वाले तो अभी भी साथ ही हैं, है ना, संगम पर मधुबन के साथ हैं तो राज्य में भी साथ होंगे ना। साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तीसरा है इंदौर, बाबा ने इसमें बोला इंग्लिश में इंडोर, यानी अंदर घर में रहने वाले, अंदर ही रहने वाले, इंडोर रहने वाले, तो इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना। अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले, अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले, तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है। तो सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। फिर बाबा ने बोला कैसे होगा सब कुछ है? उसमें बाबा ने बताया पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहली बात बाबा ने बताया सदा इतना परफेक्ट रहना है, दूसरों को भी देना है, ये ड्यूटी है आपकी, ये बाबा ने याद कराया ड्यूटी है आपकी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली बात सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर स्थित
आत्माएं अनुभव करते हो, ये साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। क्या करना है? साक्षी, साक्षी नमीज वेखी जा छेड़ी ना, जो कुछ करता है देखते जाओ क्या हो रहा है। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मजा आता है। साक्षियों को देखो, बड़ा मजा आता है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन चिकचिक कर रहा है, बड़ा मजा आता है, देखिए, है ना। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मजा आता है। जैसे सीट अच्छी होती है तो बैठने में मजा आता है ना, सीट अच्छी नहीं तो बैठने में मजा नहीं। तो ये साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है। इसी सीट पर सदा रहते हो, पूछ रहे बाबा, दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भागदौड़ कर रहे हैं ना, सारा खेल सीट का ही है ना, गद्दी को सलाम है ना सारा आजकल। तो आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता उन्हें कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं है, और आपकी अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो, तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता, जो अपसेट रहता है वो कभी सेट नहीं हो सकता। तो सदा इस सीट पर सेट रहो, ये ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो, जो अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो। दूसरी बात, अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई, करोड़ों में भी कोई और कोई में भी कोई, ऐसी विशेष आत्मा समझते हो। मैं कौन, इसका नशा रहना चाहिए, मैं हूँ कौन, करोड़ों लोगों से में से मुझे एक को सिलेक्ट किया भगवान ने, इतनी विशेष आत्मा हूँ मैं। जो गायन है ना, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वो कौन है? वो है हम। ये खुशी सदा रहती है। तो विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही है और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना, दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। तो ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है, वो थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है। भक्ति क्या है? थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रह, औरों को भी समर्थ बनाओ, जो ख्याल ख्वाब में न था वो प्रैक्टिकल में पा लिया। सोचा था किसने कि भगवान मिल जाएगा और टीचर बनके आपको पढ़ाएगा? जो ख्याल ख्वाब में ना था वो प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो, बाबा से क्या मिल रहा है उस खुशी में रहो। तीसरी बात, सभी अपने को एक ही बाप के एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक ही बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो जब दूसरा ऑप्शन रखा ही कोई नहीं है, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है, सारा रस उससे आता है। ऐसा ऐसे अनुभव है, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ, और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि है ही एक।
जहां दो चार बातें होती हैं तो सोचने का को मार्जिन हो जाती है, चॉइस होगी तभी तो ऑप्शन ऑप्शन होगी तभी तो करोगे चॉइस लोगे। जब एक ही रास्ता है तो जाएंगे कहां? तो यहां मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है, एक बाप एक मत एक रस एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो वन नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस, एक का हिसाब जानना है बस, है ना? वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो कहाँ पर, उसको जानो। बाकी कौन कहाँ है क्या है उसको नहीं जानने की जरूरत। कहीं भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा के साथ है, दूर नहीं है। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो ही नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया ही आती है। बाबा का छोड़ा तो कौन आएगा फिर, फिर माया ही आती है ना। ऐसे नहीं आती, ना किनारा हो ना माया आए, एक का ही महत्व है। फिर अदर कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। अदर कुमार कौन होते हैं? जो मैरिड हैं भाई, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, बाबा के पक्के बन गए हैं, वो अदर कुमार। बाबा ने कहा सदा प्रवृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो, गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले, सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले, ऐसे अनुभव करते हो। एक ट्रस्ट है, बाबा ने मुझ पे ट्रस्ट किया, इस पे ट्रस्टी बन के चलाओ। ऐसे अनुभव करते हो, ट्रस्टी माना सदा सुखी, गृहस्थी माना सदा दुखी। तो आप कौन हो, गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो? अब कोई नहीं बोलेगा हम गृहस्थी हैं, आज सब ट्रस्टी बन के रहेंगे, बाद भी याद रहे हम ट्रस्टी हैं। तो आप कौन हो? ट्रस्टी यानी सदा सुखी। अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए, अभी संगम युगी सुखों की दुनिया में हो, अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो। अब प्रवृत्ति परिवार कौन सा आपका? ये अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो, लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। प्रवृत्ति बदल गया आपका, परिवार बदल गया आपका, वहां से यहाँ ट्रांसफर हो गया। आपस में भी अलौकिक वृत्ति और अलौकिक दृष्टि रहे। तो ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। ट्रस्टीपन की निशानी क्या है? सदा विकारों से न्यारा, दुनियादारी से न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं, अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन, ट्रस्टी जीवन माना निर्बंधन। तो ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं, बंधन मुक्त हैं तो सदा सुखी हैं। कोई भी किसी का बंधन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो सुखी रह ही नहीं सकते। नहीं, बंधन होगा तो क्या होगा? चिक 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 होगी ना, तो कभी सुखी रह ही नहीं सकते। अनुभव मूर्त पूरे हैं, बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है, उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है क्या, मेरा घर मेरा परिवार मेरा ये काम है, तो ये स्मृति भी माया का आह्वान करती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, ये परिवार बाबा तेरा ही है, हम तो आपकी अमानत समझ के संभाल रहे हैं, आपकी अमानत समझ के चला रहे हैं, ठीक है ना? आपकी अमानत है भैया, जब मर्जी दे जाओ जब मर्जी ले जाओ, जब तक रखा है हम प्यार से संभालेंगे। ये है ट्रस्टीपन की निशानी, जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। मेरा कहना और मूझना, कन्फ्यूज होना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो
तो कब रहेंगे, संगम युग है ही मौजों का युग, मौजा ही मौजा है ना। इसलिए सदा मौज में रहो, स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। आधा कल्प सब व्यर्थ ही गवाया, क्या किया आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ, अब है कमाई का समय। जितने समर्थ होंगे, जितने पावरफुल होंगे, उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो, इतना स्टॉक हो जो दूसरों को भी दे सको। क्यों? क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। जो खुशी नहीं जाता है इसमें उसका जमा भी कुछ नहीं हुआ है, तो चेक करो कितनी खुशी रहती है, यानी कितना जमा हुआ है। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो, इसी प्यार में मगन रहो। जहाँ प्यार है यानी लगन है, वह विघन रह नहीं सकता। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, ऐसे ये लगन और विघन है। बाबा से प्यार नहीं है इसीलिए पंगे पड़ रहे हैं, इसीलिए पंगे पड़ते हैं। पंगे से बचना है, बाबा से प्यार करो। जहाँ ऐसे ये लगन और विघन है, लगन ऐसी शक्तिशाली है जो विघन को भस्म कर देती है। ऐसी लगन वाली निर्विघन आत्माएं हो, होगी नहीं हो? पूछा बाबा ने, ऐसी लगन वाली निर्विघन आत्माएं हो। कितना भी बड़ा विघन हो, माया विघन रूप बनकर ही आए, लेकिन आज रहता है पंगे ही पंगे हैं, लेकिन लगन वाले उसे ऐसे पार करते हैं जैसे मक्खन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है, और जहाँ बाप है वहाँ प्राप्ति जरूर है। जो बाप का खजाना वही बच्चों का। फिर माताओं के साथ, माताओं को बोला शक्ति दल है ना, पहले बाबा शिव शक्ति है, आज कौन है शक्ति दल है ना, माताएं जगत माताएं बन गई। छोटे से परिवार की माँ नहीं, अब पूरे विश्व जगत की माताएं बन गई। अभी हद की माताएं नहीं, सदा अपने को जगत माता समझो। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। आज जितने बंदे आए, जितनी सेवा करनी, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, ये है विश्व की सेवा करने वाली माता। कितनी श्रेष्ठ, कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया। क्या दिलाया? दासी से सिर का ताज बना दिया। कहाँ घर में दासी की तरह काम करने वाले किधे, अब कहाँ सिर का ताज बना दिया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बस यही गीत गाती रहो। क्या गीत गाना माताओं ने? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है। क्यों? क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक कर थक गई हैं, बहुत भटकी माताएं, चार चार धाम भी घूम लिए है ना। तो बाप माताओं की थकावट को देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी, एक सेकंड में समाप्त कर दी, बाप के बने और थकावट खत्म, बाप के बने और थकावट खत्म। माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा था माताओं को झूलना झुलाना सावन में? अरे बच्चे पैदा होते हैं ऐसे ऐसे करते रहते माता है,
नहीं, बच्चा ना भी हो तभी ऐसे ऐसे हिलती रहती है नहीं गोदी नहीं होता है ऐसा हिलना, जब देखो ऐसी हिलती रहती है, कुछ ना भी बच्चा हो तो ऐसी ऐसी हिलती रहेगी इतनी आदत पड़ जाती है माताओं को। तभी बाबा ने बोला माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का यानी अति इंद्र सुख का झूला दिया है, उसी झूले में झूलती रहो, सदा सुखी सदा सुहागिन बन गई। जब पति परमेश्वर है तो सदा सुहागिन बन गई, क्योंकि वो तो अविनाशी है, सदा सुहागिन बन गई और अमर बाप के अमर बच्चे बन गए। बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे सदा संपन्न, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले और सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले मास्टर दाता वरदाता ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान संपन्नता द्वारा अपनी भरपूरता द्वारा सदा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्ति वान भव। कौन आजम? ये हमारी संपत्ति शारीरिक संपत्ति नहीं, उसमें देखिए हमारे कितना हमने कमाया, वो शारीरिक संपत्ति नहीं है मेन संपत्ति, ठीक है वो सब कुछ ठीक है, पर आत्मिक संपत्ति वान बनना है, उससे भरपूर रहना है, तब जिंदगी में हमेशा संतुष्टता का अनुभव करोगे। क्योंकि जब अगर किसी चीज़ की खुशी मिलेगी, पास हो गए वाह, फेल हो गए हाय हवा हाय, यही करते रहेंगे। इसे स्थूल चीज़ों की प्राप्ति को सफलता नहीं समझना, सफलता क्या है, ये ज्ञान गुण और शक्तियाँ लिए हैं, ये आपकी रियल सफलता है। द्वारा बोलता हूँ, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्ति वान भव। बाबा ने कहा स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियाँ, जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वही सदा संतुष्ट है, वही सदा संतुष्ट है। जिसमें ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, वो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकता। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, तो हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, खुशी चाहिए, वो मेरे से सब ठीक रहे, ये हद की इच्छाएं हैं, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से, है ना, उसको कहा जाता है संपत्तिवान। तो वो सदा दाता होंगे, मंगता नहीं, वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, कोई भी बात आए, उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती, ठीक है। जो आत्मा भरपूर है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शारीरिक कितनी भी प्राप्तियां हैं, फिर भी आप डिस्टर्ब में रहोगे ही रहोगे। शारीरिक दुनिया की प्राप्तियां टेम्परेरी खुशी देगी, और आत्मा की जो प्राप्ति है ये परमानेंट खुशी देगी, परमानेंट शांति देगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोगन, ज्ञान नेत्र से
तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। ठीक है जी, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोगों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। आज संडे है, थर्ड संडे है, तो आज हम प्योरिटी पर चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। आप प्योरिटी का चक्कर ना लगाना, वो यहाँ के लगाएंगे शाम को, बाकी के चक्कर पूरे कर लेना, एक प्योरिटी का रहने देना, ठीक है ना। प्योरिटी को हम पूरे अच्छी तरह कैसे प्योरिटी में रहना है पूरा चक्कर लगाएंगे, और पूरे वर्ल्ड को पूरा साकाश कैसे देना है सारा कमेंट्री से सारा कराएंगे आज, ठीक है। ओम शांति।